नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस ने एक पूर्व सीएम पर ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, उन्हें गुस्सा बहुत आएगा, खींच आएगी, खुद को कोस रहे होंगे कि भाई कहां आकर हम फंस गए। यह तो गजब का खेल है और गजब की जुडिशियरी की माया है कि सीएम या पूर्व सीएम अगर भाजपा से जुड़ा हुआ है, सांसद अगर भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो वो प्रिविलेज्ड है जुडिशियरी की नजर में भी। लेकिन अगर वही सीएम या पूर्व सीएम विपक्ष का है तो उसे आम आदमी जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि सरकार के वकील अदालत में अक्सर यही कहते हैं। लेकिन यहां जज साहब ने जो कहा है, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए और खुद तय कीजिएगा कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को या फिर हेमंत सोरेन को, मनीष सिसोदिया को गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए। यहां बारंट बेंच ने लिखा है, ही इज नो टॉम डिक और हैरी। कर्नाटका हाई कोर्ट स्टेज अरेस्ट ऑफ फॉर्मर सीएम बीएस येदियुरप्पा इन पॉक्सो केस। कितने घिनौने आरोप हैं बीएस येदियुरप्पा पे। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री शीर्ष नवाते हैं इनके हिसाब ने कि आप ही कर्नाटक का बेड़ा पार लगा सकते हैं भाजपा का। अब देखिए, इन पर इतने गंभीर चार्जेज हैं, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ था। लेकिन अब बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर जज महोदय ने इसलिए रोक लगा दी क्योंकि येदियुरप्पा येदियुरप्पा हैं, वो कोई टॉम डिक हैरी नहीं है कि कोई जाएगा मुंह उठाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। वो दिल्ली चले गए तो क्या, कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है, वो सारी बातें हम वारंट बेंच की रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन इनके इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। यहां हम आपको दिखाते हैं कि टीएमसी सांसद ने क्या गंभीर टिप्पणी की है और उन्होंने बताया है कि कानून की नजर में टॉम डिक हैरी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या येदियुरप्पा हो, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब बराबर है। उन्होंने लिखा है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट्स अ टॉम डिक और हैरी अ फॉर्मर सीएम एज इक्वल्स बिफोर लॉ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान में कहता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कोई टॉम डिक और हैरी, राकेश, रमेश, रोशन या सुरेश ही क्यों ना हो, फिर चाहे सामने कोई पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, सबके लिए कानून बराबर है, सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने क्या साबित कर दिया, यहां आगे साकेत गोखले लिखते हैं, ये टीएमसी सांसद हैं, इन्होंने लिखा है, इफ अ कॉमन मैन कैन बी अरेस्टेड व्हाई शुड अ फॉर्मर सीएम बी स्पेशल, इफ द सिटिंग सीएम्स ऑफ दिल्ली एंड झारखंड कैन बी अरेस्टेड व्हाट मेक्स मिस्टर बीएसवाई ऑफ द बीजेपी एक्सेप्शनल। यहां पर वो पूछ रहे हैं, जब आम आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर फॉर्मर सीएम स्पेशल कैसे हो गए। अगर किसी सिटिंग सीएम को या फिर झारखंड के सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है तो फिर बीएस येदियुरप्पा तो पूर्व सीएम है, उनके साथ विशेष ट्रीटमेंट क्यों। वो सिर्फ इसलिए कि कर्नाटक में बीजेपी के खेवनहार येदियुरप्पा ही हैं और येदियुरप्पा के बिना बीजेपी अपने आप को असहाय महसूस करती है। क्या इस कारण से अदालत ने उनके हक में फैसला सुना दिया, इतने घिनौने आरोप लगने के बावजूद भी। चलिए जरा देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है, क्या कहा गया है जज महोदय के द्वारा और क्यों हर कोई हैरान है कि इस तरीके से अगर जुडिशियरी में फैसले लिए जाएंगे तो फिर न्याय पर भरोसा कैसे होगा। वारंट बेंच ने लिखा है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह रोक उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में लगाई गई थी। येदियुरप्पा का उस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया में भी घूम रहा था, तभी से यह चर्चा थी येदियुरप्पा के खिलाफ कोई बड़ा मामला बन सकता है। लेकिन बड़ा मामला बनेगा तो बनेगा कैसे, कि वो कोई टॉम डिक या हैरी नहीं है जो कहीं भाग जाएंगे, उन्हें खुले रहने दीजिए। कहा जा रहा है न्यायमूर्ति एस कृष्ण दीक्षित ने आज येदियुरप्पा की गिरफ्तारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया।
यही गिरफ्तारी की आवश्यकता पर सवाल तो अभिषेक मनु सिंह भी उठा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या थी, वो भी चुनाव के समय, क्या कारण था? या फिर कपिल सिब्बल ने भी यह मामला उठाया कि हमारे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की आवश्यकता क्या थी? अगर वो मामला था भी तो सिविल मामला था, तो फिर उस मामले में ईडी की एंट्री हुई कैसे? ईडी की एंट्री ही उन्होंने अवैध बताई है। इन सब के बावजूद भी हेमंत सोरेन 31 जनवरी से आज तक सलाखों में बंद हैं। खैर, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। न्यायालय राज्य के इस आरोप से भी सहमत नहीं था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 11 जून को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए जारी नोटिस की अनदेखी की थी, तथा नोटिस जारी होने के कुछ ही घंटों बाद पूर्व पार्टी प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए दिल्ली चले गए थे। महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने आज तर्क दिया कि नोटिस जारी होने के बाद ही विमान का टिकट भी बुक किया गया था। मतलब येदियुरप्पा इतने निर्भीक हैं, बेखौफ हैं, उन्हें कानून का कोई मलाल नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके संरक्षण के लिए बीजेपी हमेशा आगे खड़ी। ऐसे में येदियुरप्पा इतने गंभीर आरोपों को अपने सिर पर लिए घूम रहे हैं, जैसे बृजभूषण शरण सिंह भी इतने गंभीर चार्जेज के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे, और येदियुरप्पा भी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसका एक ही कनेक्शन है, बीजेपी का संरक्षण। और येदियुरप्पा साहब को तो देखिए, टिकट कटाते हैं वो भी तब जब उनको नोटिस जारी करके बुलावा भेजा जाता है, वो निकल जाते हैं दिल्ली कि मैं उपलब्ध नहीं। यह घोटाले का भी मामला नहीं है साहब, यह मामला तो बहुत ही घिनौना है, इसमें यौन शोषण का आरोप है, येदियुरप्पा ने ऐसे कुकृत्य किए होंगे, ये आरोप लगाए गए हैं। और अब भी उन्हें लगता है कि कानून उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ लिखा गया है कि हालांकि कोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके भागने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि येदियुरप्पा ने 11 जून के नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि वह 17 जून को जांच अधिकारियों के सामने पेश होंगे। अदालत ने कहा वह कोई टॉम डिक या हैरी नहीं है, वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्या आपका कहना है कि वह देश छोड़कर भाग जाएंगे? वह बेंगलुरु से दिल्ली आकर क्या कर सकते हैं? अब जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही बातें क्या अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में या फिर मनीष सिसोदिया के मामले में लागू नहीं होती है? क्या वहाँ पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट या फिर ट्रायल कोर्ट की भी बात कर लें, किसी जज ने इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि इन सबको भी सलाखों से बाहर लाया जाए और इन्हें अपना काम करने दिया जाए, कानून अपना काम करे, दोषी सिद्ध कर ले, फिर जेल ले जाए? नहीं, यहाँ पर तो ईडी का नियम चलेगा, इस वजह से तो जहाँ ईडी की एंट्री नहीं भी होनी चाहिए वहाँ भी ईडी घुसती है, और जहाँ पर बीजेपी को कोई फायदा नहीं दिखता है वहाँ केस बंद भी कर देती है। जैसे दिल्ली में शराब नीति का मामला है, ठीक उसी तरीके का मामला छत्तीसगढ़ में भी बनाया गया था, लेकिन उस वक्त वहाँ पर खूब ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही थी। ऐसा लगा था कि भूपेश बघेल को भी आज नहीं तो कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहां पर चुनाव हुए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव जीत गई। फिर धीरे धीरे मामला ऐसा हुआ कि ईडी के वकील ठंडे पड़े और सुप्रीम कोर्ट में वह केस ही खत्म हो गया, उन लोगों को बड़ी राहत दे दी गई, हर कोई मुक्त हो गया कि भाई ईडी का मामला तो वहां बनता ही नहीं, फिर उस केस में पीएमएलए का पूरा मामला ही खत्म कर दिया गया। तो हैरानी होती है कि कानून का सहूलियत से कैसे उपयोग किया जाता है और फिर दुरुपयोग किया जाता है, यह सबके सामने है। यहां देखिए कहा जा रहा है कि एकल न्यायाधीश ने अंततः आदेश दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, खासकर तब जब येदियुरप्पा ने 17 जून को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए लिखित रूप से स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की थी। क्या उनके स्वेच्छा से नियम कानून चलेंगे? यही बात अगर ईडी के वकील कोर्टरूम में अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर कह देते हैं तो कोर्ट भी तुरंत कह देता है अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन पर कि वो कानून से ऊपर नहीं है और कानून की नजर में टॉम डिक हैरी या फिर ये दोनों सीएम पूर्व सीएम सब बराबर ही हैं। अब इन सब के बावजूद यहां पर जो मामला दिखाई पड़ने लगा है वो यह साफ कर देता है कि जुडिशियरी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव को महसूस करती है और फैसले भी उसी तरीके से आते हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा जो केस है वो राहुल गांधी का ही है।
कि कैसे गुजरात के एमपी एमएलए कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहुल गांधी को सजा मिलती है अधिकतम 2 साल की, और आनन फानन में उनके सांसदी छीन ली जाती है, फिर किसी अदालत ने जहमत नहीं की, हाई कोर्ट तक ने उस सजा पर सवाल खड़े नहीं किए, उचित ठहरा दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फाइनली राहुल गांधी को राहत मिलती है। तो क्या हाई कोर्ट तक किसी भी राहत की या किसी भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है अगर वह मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ हो? अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अदालत अब एकदम से तय कर पा रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 अब अदालतों में उस हिसाब से लागू नहीं होगा जहां पर कानून के नजर में हर कोई बराबर है, अब यहां पर भेदभाव किए जाएंगे, यह तो देख लिया गया है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि अदालत ने अपने आदेश में कहा, हम तुरंत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में लिया जाए, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी उम्र भी अधिक है तथा उन्हें उस उम्र के अनुसार प्राकृतिक बीमारियां हैं। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत की कार्यवाही सुनवाई की अगली तारीख तक रोक दी जाती है। मतलब जज साहब एकदम से सहमत हो गए कि भाई वो येदियुरप्पा हैं, वो बूढ़े हैं, उनको बहुत बीमारियां हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी जेल में। तो फिर यही बातें अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे, लेकिन उनके बीमारियों का तो एक अलग ही स्टिंग ऑपरेशन कर दिया जाता है कि नहीं वो तो टहल रहे थे, वो ठीक हैं, वो विमान में उड़ते हैं, वो चुनाव प्रचार करते हैं, वो तो ठीक हैं, उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। आज भी कोर्टरूम में बहस हो रही थी ना, अरविंद केजरीवाल को राहत दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। खैर अब आप देख चुके हैं कि अगर यह फैसला अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन तक पहुंचा होगा तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा और खिसिया गए होंगे, शायद सारी रात इसी सोच में डूबे होंगे कि बीजेपी के लिए कानून अलग है और हम लोगों के लिए कानून एकदम से अलग हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।